हेलो दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं किसान भाई के यहाँ पर। इनके यहाँ पर ये बता रहे थे कि कई दिन से जो है एक स्नैक है, इन्होंने काफ़ी कोशिश की भगाने की, लेकिन अभी वो जो है निकल नहीं पा रहा था। तो अभी हमें रेस्क्यू करने के लिए उसको आना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है खेतों में ज़्यादातर जो है रसल भाई पर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है किसान भाई हैं, ये बताएँगे काफ़ी टाइम से। बताइए आप, कब से सांप आपको परेशान कर रहा है? जी, हमारे खेत में बहुत दिनों से एक सांप है, कई दिन से एक सुन रही हमारी जी। फिर भी कई दिनों से हम सोच रहे थे अपना आप चला जाए, लेकिन ये जा नहीं पाया। इस बार हमने थोड़ी चीज रोक रखी थी, इस बार फिर आप हमें आपको बुलाना पड़ा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सारा, आप इधर को दिखाएंगे, ये पूरा खेत जो है छिल चुका है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इन्होंने थोड़ा सा गन्ना ही छोड़ रखा था इस चक्कर में, क्योंकि ये सांप इनको काफ़ी जो है 3-4 दिन से परेशान कर रहा था। और इन्होंने कोशिश भी की यहाँ को इसको निकालने की, क्योंकि जंगल है और जंगल में अक्सर जो है सांप आ ही जाते हैं। तो कोशिश भी की, जब वो नहीं गया तब जाके इन्होंने हमारे पास कॉल की, और अभी हम उसको रेस्क्यू करने के लिए आ पहुँचे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं स्नैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो है ये स्नैक, ये रसल्स वाइपर ही है, और यही ज़्यादातर खेतों में पाया जाता है। और काफ़ी जो है बिग साइज़ का है ये। देखिए, अक्सर जो है खेतों में ये जो स्नैक पाया जाता है, आप देख सकते हैं। और मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, ये जो है जंप करके ही वाइप कर लेता है। तो आप देख सकते हैं, अभी हम इसको जो है रेस्क्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रसल वाइपर है, और काफ़ी दिनों से जो है इनके खेत में ही छिपा हुआ था। और इन्होंने काफ़ी कोशिश की इसको निकालने की दोस्तों, लेकिन ये नहीं जा पाया। तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने के लिए हमें आना पड़ा, क्योंकि हमारे पास बार बार कॉल जा रही थी। वैसे तो देखिए, खेतों में अक्सर सांप रहते ही हैं, लेकिन रसल वाइपर ज़्यादातर उसमें रसल वाइपर ही पाया जाता है। तो लोग कोशिश भी करते हैं उसको निकालने की, कभी कभी ऐसा होता है ये जो है अपनी जगह पर से जाता नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अभी हम इसको जो है रेस्क्यू करेंगे, और रेस्क्यू करने के बाद में पैक करेंगे, और पैक करने के बाद में जाकर के इसको हम रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि ये जो रसल वाइपर है, देखिए, एक वेनमस स्नैक होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जहर वाला सांप होता है ये, और अक्सर खेतों में देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे भारत में काफ़ी सारे जो है किसान भाइयों की मौत इसी सांप के काटने से हो जाती है, क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में आकर के उनको प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि इसका जो इलाज है, इसी से बना हुआ एंटी वेनम है, तो उसका अगर आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो है जान बच सकती है। और साउंड भी काफ़ी तेज़ करता है जब कोई खतरा देखता है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको जो इसका साउंड सुनवाया था, और अब अभी आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी साउंड कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हम इसको जो है आप देख सकते हैं, अभी इसको हम पैक करते हैं, और उसके बाद में इसको ले जा करके पुनर्वास के लिए किसी सेफ स्थान पर ले जा करके हम छोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो जो भी आप स्नैक पर अगर इसको देख रहे हैं, तो देख करके आप इस तरह से कॉपी ना करें, इस तरह से आप हैंडल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये काम केवल एक एक्सपर्ट के लिए है। मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं स्नैक को रेस्क्यू करता हूँ। और अभी आप देखेंगे काफ़ी तेज़ साउंड भी करता है, और अभी इसका हम थोड़ा सा जो इसका जहर होता है, अभी देखें आप, हम जो है आपको इसको निकाल के दिखाएंगे। एक छोटा सा आप गन्ना देंगे, हम छोटा सा गन्ना नन्ना सा, बिल्कुल छोटा सा गन्ना था, और पतला तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, क्योंकि इसके जो दांत होते हैं काफ़ी जो है लंबे होते हैं, ये देखिए काफ़ी लंबे दांत होते हैं, देखिए। और अभी देखिए आप, ये देखिए कितना, देखिए अभी पॉइजन, देखिए अभी अपने निकालेगा, ये देखिए। ये देखिए, इसने अपना जो है जो दांत हैं, ये देखिए कितने लंबे दांत होते हैं, और अभी इसने गन्ने में अपना दांत पूरी तरह से भी गड़ा दिया था। तो दोस्तों अभी जो है आपको जो है धूप काफ़ी तेज है, तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन ये जो गन्ना है, देखिए पूरा जो है पॉइजन में हो चुका है, जहर में हो चुका है। क्योंकि इसी तरह से मुलायम चीज़ को भी देखती है इसको, तो यू जो है वाइट कर लेता है, और अपना जो है जो अपना पॉइजन होता है, जहर होता है, उसको जो है इंजेक्ट कर देता है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इतने इसके जो है लंबे दांत होते हैं, और इजिली देखिए
जो आपकी जो है सुई होती है, उस सुई की नोक से भी जो है बारीक इसके दांत की जो नोक होती है होती है। देखिए आप, पता भी नहीं चलता है, देख सकते हैं आप ये सुई की जो नोक होती है ना, उससे भी बारीक इसकी जो है आप देख सकते हैं आगे से, और यहीं से अपना जो है पॉइजन जो होता है, जहर होता है, उसको इंजेक्ट कर देता है इंसान के अंदर। और मैंने पहले ही बताया है, अगर ये कम मात्रा में जहर छोड़ता है तो वहाँ पर गलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में मौत भी हो सकती है। और अगर ज़्यादा जहर छोड़ दे तो कुछ दिनों के अंदर जो है मौत भी हो जाती है, कुछ समय के बाद ही हो जाती है। तो इसलिए जब भी स्नैक बाइट करता है तो कभी भी किसी झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें, सीधा जो है हॉस्पिटल जाएँ और इसी से बना जो एंटीवेनम होता है उसको लें। आइए अब हम इसको जो है पैक कर देते हैं, और उसके बाद में इसको ले जा करके हम पुनर्वास के लिए किसी भी स्थान पर छोड़ देंगे। यही तो पक्ष है दोस्तों। अभी हम इसको जो है पैक कर रहे हैं, और इसी समय देखिए खतरा होता है, क्योंकि ये काम केवल एक एक्सपर्ट के लिए होता है, और कभी कभी देखिए कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो उसे भी जो है धोखा लग जाता है डिब्बे में पैक करते हुए। तो हम जो है इसको पैक कर रहे हैं, तो आप देख करके बिल्कुल भी वीडियो को इस तरह से आप कॉपी ना करें। अभी हम इसको पैक करेंगे और ले जा करके फिर से पुनर्वास के लिए हम इसको किसी स्थान पर छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ इसकी स्पीड होती है। जिस समय हम इसको डिब्बे में डालते हैं तो उस समय ये हमें वाइट भी कर सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे किसान भाई यहाँ पर जो है गन्ना छील रहे हैं, और कई दिन इनको हो गए, और काफ़ी समय से ये सांप जो है इसी खेत में जो है पड़ा हुआ था। इन्होंने काफ़ी कोशिश की इसको अपने आप से निकालने की, क्योंकि खेतों में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ खेतों में अक्सर सांप आ ही जाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है, अब जाकर के इसको कुछ समय के बाद हम रिलीज़ करेंगे। आइए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम।